मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमें प्रीवियस क्लास रे सैटली सेल, एडिक सेल, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज एगुड़ा विषय पढ़ी। आज आम पढ़ा व्हाट इज द रोल ऑफ एक्रोजोम इन फर्टिलाइजेशन। ताले मु तुमको रोल ऑफ एक्रोजोम इन फर्टिलाइजेशन रे तुमको फर्टिलाइजेशन कथा मैंने प्रीवियस क्लास रे कही थी, एक्रोजोम कथा भी कही थी। तो एक्रोजोम टा आमर कौटी रोला यहाँ है आम स्पर्म स्पर्म्रेटा हूँ तार हेड पर्सन, यहाँ हूँ मिडिल पर्सन, नेक पर्सन, यहाँ हूँ तार टेल पर्सन। तो हेड पर्सन आम यहाँ कौन रोला यहाँ न्यूक्लियस रोला और कौन रोला आम एक्रोजोम प्रेजेन्ट रोला। तो आम न्यूक्लियस तार फ्रंट कौन रोला एक्रोजोम रोला, यहाँ हूँ तार स्पर्म्र हेड कहला। जो न्यूक्लियस जो तुम न्यूक्लियस जो फ्रंट फ्रंट जो एक्रोजोम रोला से कौन रहा गोटे प्रोटीन रोला है। तो से प्रोटीन टा जिते बड़े सी हूँ कौन जो अभिम्पा को जाते कौन होमर सी डिजल हो जाफल तुम एक मेम्ब्रेन सी हूँ कौन हो डेवलप हो। तो ये एक्रोजोम कौन रोचे लाइटिक एंजाइम रोचे से लाइटिक एंजाइम ना हूँ कौन हाइलुरोनिडेज। तेले एक्रोजोम और स्पर्म कंटेन्स एक्रोजोम और स्पर्म ताले आमर यहाँ स्पर्म स्पर्म में कौन रही एक्रोजोम रहिला। कंटेन्स कौन रहिला लाइटिक एंजाइम। ताले एक्रोजोम और स्पर्म कंटेन्स लाइटिक एंजाइम से लाइटिक एंजाइम रो ना कौन हाइलुरोनिडेज से कौटी डिजल्व होज डिजल्व दि एग मेम्ब्रेन फॉर दि पासेज ऑफ स्पर्म। ताले स्पर्म रे आमर जो एक्रोजोम रहुची सेड कौन रहुची लाइटिक एंजाइम रहुची से लाइटिक एंजाइम को कौन कहुची हाइलुरोनिडेज कहुची। तो सी डिजल्व कौड़ी होची एग मेम्ब्रेन फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म रो जतेले अभियम भितर को जाउची सतेले कौन होची सेतरे जो जो एंजाइम रे रहुची से एग मेम्ब्रेन भितर से कौन होची डिजल्व होची। इट मेक्स ए पाथ फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द अभियम। तेल इट मेक्स ए पाथ तेल स्पर्म रो अभियम भितर को जाऊँ भाजना भितर को जाऊँ जो पाथ दे कि जाऊँ जो ट्यूब दे कि गला से कौन पेनिट्रेशन पाथ। तेल इट मेक्स ए पाथ फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द अभियम। तेल स्पर्म जो अभियम भितर को जो पाथ दे कि जो ट्यूब दे कि गला भाजना पाकु भाजना दे कि गला तो से कौन पेनिट्रेशन पाथ। एक्रोजोमल रिएक्शन कॉजेस ए प्रोटीन इन दि स्पर्म हैव टू बाइंड एंड फ्यूज विथ दि एग मेम्ब्रेन। ताले जत्ते बेले से एक्रोजोम टा रिएक्शन होजे रे कोन होजी कॉजेस ए प्रोटीन से गुटे स्पर्म रो हेड रे कोन होजी एक्रोजोम रे गुटे प्रोटीन रहुची हैव टू बाइंड माने ए जो तार हेड पोर्शन रहला एडी से कोन होला से प्रोटीन टा एको बाइंड करके रखिला एंड फ्यूज विथ दि एग मेम्ब्रेन। तापर कोन होला से एग मेम्ब्रेन सहित सेडी फ्यूज हो गला बा डिजल हो गला। एक्रोजोम हेल्प दि स्पर्म टू पेनिट्रेट दि अभियम। ताले एक्रोजोम कौथरे हेल्प करुची स्पर्म को अभियम भितर को जो जीवा पई सेथरे से हेल्प करुची सेइटा माने जो हेल्प करुची जो जो पाथ देखि जा गला ता कोला कोनो पेनिट्रेशन पाथ। एही पाथ द्वारा कोन हे पाजी स्पर्म टा अभियम भितर को जाई परुच। तो से एक्रोजोम रे आमर जो एटा जो स्पर्म रे एक्रोजोम रहउची से कोन करची अभियम भितर को जीवा पई हेल्प करुची एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेनिट्रेशन पाथ जहाँ पड़े हेडी से पाथ रा जो ओपन हैला ता कहजु कोन पेनिट्रेशन पाथ हैला। तले ये हैला आमर एक्रोजोम इन फर्टिलाइजेशन। तापर आमे जानिबा व्हाट इज क्लीवेज एंड सिग्निफिकेंस। क्लीवेज तले का कहउची क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिविजन ऑफ जायगोट टू फॉर्म ए सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरुला। ताले क्लीवेज का कहउची रिपीटेड माइटोटिक डिविजन ऑफ जायगोट। ताले एटा होला हमर कोन जायगोट तमन को मु आग्रे भी कहिची। तो एटा जे जायगोट बा न्यूक्लियस गुटे न्यूक्लियस अब दीटा चारटा आठटा षोह बतीस चौसठ मोरुला ब्लास्टुला हैला एही बा स्टेज देखि जाए। ताले क्लीवेज का कहउची जो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होची जायगोट रे
to form a solid ball of cell. ए solid ball of cell टा repeatedly कौन हो जी mitotic division ने कौन हो जी repeated division हो जी ताकु को हो जी कौन मरुला which later changes into a hollow ball of cells. तापरे ये मरुला टा change ही कौन हो जी blastula हो जी. ताले cleavage is the repeated mitotic division of zygote. ताले जायगोट रे कौन होची उटा सॉलिड बॉल ऑफ सेल रे कौन होची रिपीटेडली डिवीजन होची तो सही प्रोसेस टा को होची कौन से मरुला हला ता पर स्टेज टा को होची कौन ब्लास्टुला जो हॉलो बॉल ऑफ सेल सब को होची कौन ब्लास्टुला. ताले एडी कौन होची कन्वर्शन ऑफ यूनिसेलुलर जायगोट इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो. ताले जतेले एडा हला हमर यूनिसेलुलर जायगोट यूनिसेलुलर जायगोट ए यूनिसेलुलर जायगोटटा तले कन्वर्ट हला यूनि मींस वन तले गुटे जायगोटटा कोन हला कन्वर्ट हेकी मल्टीसेलुलर माने गुटे ता दीटा हला तापर चारटा अट्टा 16 32 64 हला तो एमिदि हेकी कोन हला गुटे एम्ब्रियो तमरो तयारी हला. द सेकंड ट्राइमिस्टर ट्राइमिस्टर कोन तुम्हारो जोड़ा 1 to 3 मंथ हो जाए फर्स्ट ट्राइमिस्टर को आ जी 4 to 6 हो जी सेकंड ट्राइमिस्टर आ हो जी 7 to 9 हो जी तुम्हारो थर्ड ट्राइमिस्टर. ताले फर्स्ट बा हो जी तो सेकंड ट्राइमिस्टर रे कौन हो जी इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ फाइटस. ताले सेकंड ट्राइमिस्टर को कौन हो जी तुम्हारो फाइटस रो तार कौन हो जी ग्रोथ हो जी आ कौन हो जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म अमंग ब्लास्टोमिया कहली बड़ा भल से बुझिबो. तो एति की भल से बुझिबो तो जदि किसी प्रॉब्लम हो मत पचारिबो.